हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट क्लास में फिजिक्स के इंट्रोडक्शन को जानेंगे। फिजिक्स के शुरुआत की पढ़ाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत आईआईटी जेई नीट और इलेवेंथ के स्तर के बच्चों के लिए होती है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट क्लास। फिजिक्स को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज जानना होता है, या फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है हम इस पर बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंस। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये दोनों वर्ड्स क्वांटिटी और क्वालिटी का यूज हम लोग कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। लेकिन कंपैरिजन दो तरीके से हो सकता है। मान लीजिए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करते हैं तो वह क्वांटिटी कहलाया। किसी ऑब्जेक्ट के करेक्टरिस्टिक के बारे में, उसके नेचर के बारे में समझते हैं तो वो क्वालिटी कहलाया। इस बात को और आसानी से समझा जा सकता है। अगर मान लो कि आप किसी दो टीचर के पास जाते हो जिस टीचर का नाम है ए एंड बी। ए कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है और उस सब्जेक्ट को 1 आवर का क्लास ए ने लिया, और आप लोग उसके यहाँ पढ़ने गए और उसने 1 आवर में आपको 20 क्वेश्चंस सॉल्व करवाया। जब आप बी के पास पहुंचते हो तो बी आपको 8 क्वेश्चंस सॉल्व करवाता है। दोनों का टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर। जब आपके इस 8 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है तो आप इस 8 क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चंस सॉल्व कर देते हो। जब आपके इस 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है तब आप 3 क्वेश्चंस सॉल्व करते हो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी में किसकी टीचिंग क्वालिटी बेटर है, आप निश्चित रूप से कहोगे कि बी की टीचिंग क्वालिटी ए की टीचिंग क्वालिटी से बेटर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए ने बी के कंपैरिजन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व कराए, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि ए ने बी के कंपैरिजन में 12 क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करवाया। मीन्स ए टॉट यू 12 क्वेश्चंस मोर देन दैट टॉट बाय बी। बट अगर आपसे कोई पूछेगा कि बी की टीचिंग क्वालिटी ए से कितनी अच्छी है तो आप चुप हो जाओगे। अगर आपसे पूछेगा कि बी के टीचिंग क्वालिटी को ए के टीचिंग क्वालिटी के कंपैरिजन में न्यूमेरिकली बताओ तो आप कहोगे कि बी ने अच्छा पढ़ाया, बस बात हो गई। बी ने कितना अच्छा पढ़ाया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बी ने जो भी पढ़ाया वह बात मेरी समझ में आ गया और ए ने जो पढ़ाया वह बात मेरी समझ में कम आया, इसलिए बी की टीचिंग क्वालिटी ए की टीचिंग क्वालिटी के कंपैरिजन में अच्छी हुई। इसका मतलब यह हुआ कि टीचिंग क्वालिटी कैन बी एक्सपीरियंस्ड। आप टीचिंग क्वालिटी को अनुभव कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बट ए ने बी के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा क्वेश्चंस कराया यह आप काउंट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड क्वांटिटी, अमाउंट कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड क्वांटिटी, बट द प्रॉपर्टी ऑफ अमाउंट द इज कॉल्ड क्वालिटी, टीचिंग एबिलिटी इज कॉल्ड क्वालिटी। सो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी एंड वी विल लर्न अबाउट क्वांटिटीज हियर। सो नाउ वी विल कम टू फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, हम लोग सिंपली फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं कि विच कैन बी मेजर्ड। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड मीन्स वैसा क्वांटिटीज जिसका मेजरमेंट पॉसिबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम पूछ सकते हैं आपसे कि आप ये बताओ कि आपका वेट कितना है। आप बताओगे कि मेरा वेट 50 केजी है। मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपकी हाइट कितनी है। आप बताओगे कि मेरी हाइट 5 feet 10 inches है। मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कितनी देर से फिजिक्स की पढ़ाई की जा रही है, आप फिजिक्स की पढ़ाई कितनी देर से कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि मैं 10 minutes से फिजिक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। अब हम इन तीनों क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं। इन तीनों क्वांटिटीज़ में आप देखोगे कि एक बात कॉमन है, सब में एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, और सब में एक एक यूनिट है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस किसी भी क्वांटिटीज़ का हम लोग मेजरमेंट करेंगे उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और एक यूनिट होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के टर्म में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एन यू। यहाँ एन क्या है, नंबर है, और यू क्या है, यूनिट है। अगर इसमें से एक भी नंबर या यूनिट में से अवेलेबल नहीं है किसी जगह, तो हम उसको फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं बोल सकते हैं। मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज़ में नंबर होगा और यूनिट होगा, जैसा हमने इस एग्जांपल्स की मदद से देखा। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझ लेने के बाद हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स की बात कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात हम लोग कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए बेस डिसाइड करते हैं कि किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाना है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन का बेस ओरिजिन ऑफ क्वांटिटीज़ को मान रहे हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ वी कैन डिवाइड फिजिकल क्वांटिटीज़, वी कैन क्लासीफाई फिजिकल क्वांटिटीज़ इंटू टू कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड फंडामेंटल, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, एंड अदर इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम लोग फंडामेंटल और बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फंडामेंटल और डिराइव्ड का क्या मीनिंग होता है, हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स से अलग हटते हैं और आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो आप बताओगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। आपसे पूछा जाए कि डेसिमल सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो आप बताओगे कि डेसिमल सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है, 10 डिजिट्स हैं और 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, में लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं। अब अगर मैं पूछूं कि जब आपसे पूछा जाता है कि आप 8 लिखो, तो आप 8 ऐसे लिख देते हो। जब आपसे पूछा जाता है कि आप 5 लिखो, तो आप ऐसे 5 लिखते हो। क्या 5 लिखते समय आपके मन में 8 का सिंबल आता है? बिल्कुल नहीं आता है। 8 लिखते समय 5 का सिंबल आता है? बिल्कुल नहीं आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 58 लिखो, तो आप क्या करोगे? आप पहले 5 लिखोगे फिर 8 लिखोगे। मैं आपसे बोलूं आप 85 लिखो, तो आप क्या करोगे? पहले 8 लिखोगे फिर 5 लिखोगे। तो डिजिट्स और 58, 85, इसमें क्या डिफरेंस है? आप निश्चित रूप से बताओगे कि 58 एंड 85 आर नंबर्स, 8 इज ऑल्सो अ नंबर बट 8 इज डिजिट, 5 इज अ डिजिट। तो डिजिट्स और नंबर में डिफरेंस शायद तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। डिजिट्स मतलब इंडिपेंडेंट, डिजिट्स हैव इंडिपेंडेंट सिंबल्स, बट नंबर्स आर रिटन इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स, सो नंबर आर डिराइव फ्रॉम द डिजिट्स एंड डिजिट्स आर फंडामेंटल्स। अगर मैं पूछूं कि आप आर लिखो, तो आप आर लिख दोगे। क्या आर लिखते समय आपके मन में कभी एम की बात आती है कि एम का सिंबल क्या होता है? आर लिखते समय कभी आपके मन में ए की बात आती है? नहीं आती है। जब मैं तुमसे कहता हूं कि आप आर लिखो, तो आप ये लेटर लिखते हो। जब मैं कहता हूं कि आप ए लिखो, तो आप ये लेटर लिखते हो। जब मैं आपको कहता हूं कि एम लिखो, तो आप ये लेटर लिखते हो।
बट जब मैं कहता हूँ कि आप राम लिखो, आप रेम लिखो, तो आप राम लिखते हो आर एम, मैं बोलता हूँ आप रेम लिखो, जो कि कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं रेम वर्ड, तो रेम लिखो, आप लिखते हो आर एम। अब देखो आर ए एम और सिर्फ आर, सिर्फ ए और सिर्फ एम में क्या डिफरेंस है? दिस वर्ड राम और रेम इज डिराइव्ड मेड ऑफ फ्रॉम दीज लेटर्स। वर्ड राम इज डिराइव्ड ऑफ द लेटर्स एंड लेटर्स आर इंडिपेंडेंट। इन द सेम वे वी हैव सम फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, दे डू नॉट रिक्वायर एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज टू डिफाइन देम, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। सम क्वांटिटीज आर देयर विच आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज, एंड बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। मीन्स आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि दे आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। दे आर सेल्फ डिफाइंड क्वांटिटीज। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लेंथ, मास, टाइम एट्सेट्रा। जब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करते हैं तो डिराइव्ड क्वांटिटीज इसके बेसिस पर लिखा जाता है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दे आर डिफाइंड विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स दे डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका एग्जाम्पल जब लिखने बोलते हैं तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इसका स्पीड, फोर्स एट्सेट्रा, ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज समझ जाने के बाद हम लोग आएंगे मेजरमेंट पर, क्योंकि आपको बताया गया कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। हम फिजिक्स में मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी क्वांटिटीज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो क्वांटिटीज मेजर। हाँ, तो आपने ये सब नोट कर लिया फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। अब हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, हम किसी भी क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते क्यों हैं। नीड ऑफ मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की जरूरत क्या है, हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल पर। अगर आपके सामने एक एलिफेंट ला दिया जाए, एलिफेंट दिखाया जाए, और फिर आपके सामने एक कैट रख दिया जाए, मीन्स यू हैव टू डिफरेंट एनिमल्स इन फ्रंट ऑफ यू, एलिफेंट एंड कैट। अब आपसे पूछा जाए कि एलिफेंट और कैट में
बड़ा कौन सा है, व्हिच वन इज बिगर, व्हाट विल यू रिप्लाई? आप निश्चित रूप से बताओगे कि सर एलिफेंट इज बिगर देन कैट। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों में कौन भारी है और कौन हल्का है, तो आप क्या कहोगे? सर कैट इज लाइटर देन एलिफेंट, मीन्स एलिफेंट इज हैवियर देन कैट, कैट इज लाइटर देन एलिफेंट, एलिफेंट इज लार्जर देन कैट एंड कैट इज स्मॉलर देन एलिफेंट। अब यहाँ पर बात आती है कि ठीक है एलिफेंट इज बिगर देन कैट, बट इट इज हाउ मच बिगर देन कैट? कैट इज हाउ, एलिफेंट इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन कैट? तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास मेजरमेंट का आइडिया नहीं है तो आप कहोगे कि मुझे मेजरमेंट नहीं आती, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि एलिफेंट कैट से कितना भारी है, बट ये कह सकता हूँ कि एलिफेंट कैट से भारी है, कैट एलिफेंट से हल्का है, कैट एलिफेंट से छोटा है और एलिफेंट कैट से बड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया, अब हम एक दूसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक दूसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। इस दोनों स्ट्रेट लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हिच वन इज लॉन्गर, यू विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट दिस लाइन इज लॉन्गर देन दिस लाइन, बट दिस लाइन इज थिकर देन दिस लाइन। अब अगर ये पूछा जाए कि दिस लाइन इज लॉन्गर देन दिस लाइन, बट इट इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस लाइन, और दिस लाइन इज थिकर देन दिस लाइन, बट हाउ कैन यू एक्सप्रेस इट न्यूमेरिकली दैट दिस इज थिकर देन दिस वन? इफ इट इज आस्क टू यू दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ दिस टू लाइन्स, तो आप कहोगे कि मेरे पास मेजरमेंट का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और जब मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हम इसका लेंथ मेजर नहीं कर सकते। अब क्या करना होगा कि मेजरमेंट का आइडिया आया, आपको मेजरमेंट आता है और इंस्ट्रूमेंट है, तो आप क्या कहोगे? इसका लेंथ मेजर करोगे, इसका लेंथ मेजर करोगे। मान लो इसका लेंथ आया 30 सेंटीमीटर और इसका लेंथ आया 15 सेंटीमीटर, इसका लेंथ आया 30 सेंटीमीटर, इसका लेंथ आया 15 सेंटीमीटर। अब आप बता सकते हो कि दिस लाइन इज लॉन्गर देन दिस लाइन बाय 15 सेंटीमीटर। आप ये भी कह सकते हो कि दिस लाइन इज डबल ऑफ द लेंथ ऑफ दिस लाइन। तो मेजरमेंट का आइडिया आने से हम क्या कर सकते हैं? एग्जैक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। एग्जैक्ट कंपैरिजन के लिए हमें मेजरमेंट का नॉलेज होना चाहिए। अब एग्जैक्ट कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? जब हम एलिफेंट और कैट का कंपैरिजन कर रहे हैं, इसके वेट का कंपैरिजन कर रहे हैं मींस मास, और इसके लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम इसके लेंथ से एलिफेंट का मास कंपेयर नहीं कर सकते, कैट के मास से इस लाइन का लेंथ कंपेयर नहीं कर सकते। जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो इस दोनों के लेंथ का, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो इस दोनों के मास का। इससे एक और बात समझ में आती है कि हम कंपैरिजन सिमिलर क्वांटिटीज़ का कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं, बट उसका नेचर सिमिलर होना चाहिए, वो एक टाइप का क्वांटिटी होना चाहिए, अलग अलग टाइप के क्वांटिटी का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। तो आप मेजरमेंट की ज़रूरत समझ गए। मेजरमेंट की ज़रूरत समझने के बाद आप एक लाइन नोट कर लो, नीड ऑफ मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जैक्ट कंपैरिजन, फॉर एग्जैक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंपैरिजन, एग्जैक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। ओके, हैव यू नोटेड डाउन?
ठीक है, आपने नोट कर लिया कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ गई, अब आपकी समझ में ये आ चुका है कि मेजरमेंट करना ज़रूरी है, मेजरमेंट की ज़रूरत ये है, तो अब हम सोचेंगे कि हाउ कैन वी डू द मेजरमेंट, मेजरमेंट कर कैसे सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इस बोर्ड का, वाइट बोर्ड जिस पर हम अभी लिख रहे हैं, इस वाइट बोर्ड का लेंथ कितना है, आप मेजर करके बताओ, और आपके पास कोई मीटर स्केल नहीं है, आपके पास कोई मेजरिंग डिवाइस मैंने, इंस्ट्रूमेंट मैंने नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते? मेजर कर सकते हैं हम। कैसे मेजर करेंगे? तो अपने हाथ से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तुम कह सकते हो कि ये जो बोर्ड है यह मेरे हाथ से 4 times है, 4 times ऑफ माई हैंड, 4 times। तो यह हाथ क्या हुआ? स्टैंडर्ड, जिससे आपने इसका लेंथ मेजर किया। अगर कोई हाथ की समझ नहीं रख पा रहा है तो वो ये उठाएगा, उसके पास मार्कर है, पेन है, उससे ये मेजरमेंट कर लेगा, 1, 2, 3 and so on, और वो बताएगा कि सर ये बोर्ड जो है इस मार्कर का 30 times है। कोई अपने स्टेप से, फुट स्टेप से इसको मेजर कर सकता है, बोलेगा कि सर ये जो बोर्ड है यह हमारे फुट स्टेप से 2 times है, 2 times ऑफ इस स्टेप, ये कह सकता है वो। तो सब लोग अलग अलग तरीका लगा सकते हैं, अलग अलग चीज़ों से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, बट हम जो भी ले रहे हैं, फुट ले रहे हैं, फुट स्टेप ले रहे हैं, स्टेप, या हम हैंड ले रहे हैं, या मार्कर ले रहे हैं, इसके लेंथ को स्टैंडर्ड मान करके हम इस बोर्ड का लेंथ मेजर कर रहे हैं। आप जब ट्रेन में जाते होगे तो मूंगफली वाला जब मूंगफली बेचने आता है तो वो क्या करता है, आपको 250 ग्राम मूंगफली चाहिए होता है, 200 ग्राम का वेट उसके पास होता है स्टैंडर्ड वेट, और एक पत्थर का टुकड़ा रख देता है और बताता है कि सर ये 50 ग्राम है। आप मान लेते हो कि 50 ग्राम ये है और 200 ग्राम उसके पास वेट है जो गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है, और आप उससे 250 ग्राम परचेज कर लेते हो। आपने कभी ऐसा देखा है कि 50 ग्राम तो वो 200 ग्राम का वेट रखेगा और एक पेन निकालेगा, उसका लेंथ दिखाएगा, कहेगा कि सर आप देखो ये लेंथ जो है ये 50 ग्राम है। कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा है, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ से हम मास का कंपेरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज लेंथ एंड मास आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वान्टिटीज, दे आर नॉट सिमिलर क्वान्टिटीज, नो। लेकिन जो स्टोन यूज करता है उस स्टोन का मास और मूंगफली का मास ये सिमिलर क्वान्टिटी है, इसलिए वो मूंगफली का मेजरमेंट वहाँ से करता है। तो इतने डिस्कस करने के बाद आपके मन में एक बात बैठ गई होगी कि मेजरमेंट करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं, और जिस क्वान्टिटी का मेजरमेंट करना होता है स्टैंडर्ड उसी क्वांटिटी का होता है, उसी स्टैंडर्ड का नाम हम यूनिट देते हैं, यूनिट। तो यूनिट समझ में आ गया यहीं से, यूनिट का क्या मतलब हुआ आप नोट कर लो। यूनिट का डेफिनेशन, इट इज अ स्टैंडर्ड सेलेक्टेड for the measurement of, selected for the measurement of a similar physical quantity, selected for the measurement of similar physical quantities। नोट कर लिया? तो यूनिट का यही डेफिनेशन हो गया। अब यूनिट के डेफिनेशन के बाद, तो जब आप यूनिट को समझ गए कि यूनिट का डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई, तो उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ यूनिट की बात करेंगे कि यूनिट्स कितने टाइप का होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने पढ़ा 2 types का होता है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का ही मेजरमेंट हमें करना होता है, यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए ही डिसाइड करना होता है। तो जितने टाइप का फिजिकल क्वांटिटीज़ उतने ही टाइप का यूनिट, मीन्स यूनिट्स आर ऑफ 2 types। One is fundamental,
फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक यूनिट्स, एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स किसको बोलेंगे? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट के लिए जो यूनिट होगा उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए जिस स्टैंडर्ड का सिलेक्शन होगा वो कहलाएगा डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट समझ में आ गया। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट था, सेल्फ डिफाइंड था, वैसे ही फंडामेंटल यूनिट्स भी इंडिपेंडेंट और सेल्फ डिफाइंड होता है। आप नोट करो फंडामेंटल यूनिट्स, फर्स्ट पॉइंट, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। सेकेंड पॉइंट, दे आर सेल्फ डिफाइंड यूनिट्स। एग्जाम्पल आपने सीखा लेंथ, मास एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, सो दे आर यूनिट्स मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एट्सेट्रा, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। अब आप डिराइव्ड यूनिट्स लिखो, दे आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, दे आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। सेकेंड पॉइंट, डिराइव्ड यूनिट्स डिपेंड अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जाम्पल मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन। अब आपको एक बात यहां समझना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड न्यूटन बोथ आर यूज्ड टू मेजर फोर्सेस। न्यूटन इज द नेम गिवन इन द ऑनर ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन, बिकॉज द आइडिया ऑफ फोर्स केम इन टू इफेक्ट विथ हिम, सो दिस न्यूटन इज एन ऑनररी यूनिट, एंड केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एनालिटिकल यूनिट। नाउ यू हैव अ न्यू आइडिया अबाउट ऑनररी यूनिट, व्हाट इज दिस ऑनररी यूनिट। तो आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जिसका नाम हम किसी ग्रेट पर्सनालिटी के ऊपर रखते हैं, जैसे पटना में गांधी मैदान, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, दिल्ली में JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इस तरह का जो नाम रखा जाता है वह ग्रेट पर्सनालिटी महापुरुषों के नाम के सम्मान में, महापुरुषों के सम्मान में हम उसका नाम रखते हैं। ठीक उसी तरह साइंस में जो ग्रेट साइंटिस्ट हुए उनके सम्मान में, उनके ऑनर में हम उनके नाम को ही यूनिट की तरह यूज करते हैं। तो इस तरह का जो यूनिट होता है उसको हम लोग ऑनररी यूनिट बोलते हैं। तो न्यूटन क्या हो गया? ऑनररी यूनिट। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि न्यूटन जब नेम ऑफ साइंटिस्ट है तो व्हाई हैज इट नॉट बीन रिटन विथ कैपिटल N न्यूटन। तो अगर आप ऐसा न्यूटन लिखोगे तो इसका मतलब होता है कि आप उस साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हो,
और अगर आप स्मॉल लेटर से न्यूटन लिखोगे तो उसका मतलब होता है कि आप ऑनररी यूनिट लिख रहे हो। ये मिस्टेक बच्चे करते हैं एग्जाम में भी। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स वेन एवर यू विल बी राइटिंग अबाउट द ऑनररी यूनिट, वेदर इट इज इन SI, इट इज इन CGS, यू हैव टू स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर्स। एंड इफ यू आर राइटिंग द नेम यू हैव टू राइट विथ कैपिटल लेटर्स। बट इफ यू विल बी यूजिंग सिम्बॉल्स, सिम्बॉल्स ऑफ न्यूटन, देन यू कैन यूज ओनली N. This will be capital. So I will suggest you that always use the symbols of honorary units. That will be safe for you. Means आप confusion से बचे रहोगे, गलतियाँ नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा लिखता है तो आप वहाँ से समझ जाओगे कि ये यूनिट है और ये साइंटिस्ट का नाम है। तो आज के क्लास में हम लोग इतनी ही चीज़ें सीखे। क्या क्या सीखे हम लोग उसको एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। हमने फिजिक्स स्टार्ट किया, आज फर्स्ट क्लास इसका था जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में सीखा। फिर हमने सीखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप उसका क्या हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सेकेंड टाइप हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फिर उसके बाद हमने फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसको समझने की कोशिश करी। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट की ज़रूरत को समझे कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। फिर हमने यूनिट के बारे में सीखा, यूनिट के टाइप्स के बारे में सीखा, और यूनिट का टाइप सीखते समय हमने ऑनररी यूनिट के बारे में सीखा। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही बातें रहेंगी। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इसके बाद के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वहाँ पर एक बेल बटन दिया हुआ है उसको आप प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो अपलोड होने की सूचना समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि जो बच्चे ट्यूशन क्लासेज में या अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे हैं, वो आसानी से अपनी भाषा में इसको समझ सकें और इसके साथ वो इस सब्जेक्ट की बारीकियों को सीखने के साथ साथ क्लास नोट्स भी प्रिपेयर कर सकें। तो हम लोग जो ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं यह एक यूनिक वीडियो है जिसके साथ आप क्लासरूम जैसा एक्सपीरियंस करेंगे और आप उसके साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे। तो आप इसको तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए।